भारत के विदेश मंत्री चाइना गए कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों डूब मरो। मतलब भारतीय सेना से ज्यादा क्या चीन पर भरोसा, एक तरफ राहुल गांधी को सेना पर भरोसा नहीं। तो क्या चाइना ने अगर LAC पर ये आक्रामक रुख बताया, क्या वो उसका परिणाम है जो अमित शाह ने संसद के अंदर कही? भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दोनों देश आपसी बातचीत कर इस मसले का हल ढूंढने में लगे हुए हैं। भारत और चीन के बीच एक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए हैं। इसके बाद भारत ने वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। दूसरी तरफ चीन ने आरोप लगाया है कि भारत गलवान घाटी के पास सुरक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। इसके बाद से दोनों तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना की फौज भारत में काफी अंदर तक आ चुकी है। ये विवाद काफी पहले से चलता आ रहा है। जब सत्ता में UPA की सरकार होती थी तब मोदी जी विपक्ष में थे और भारत और चाइना के विवाद को लेकर काफी आलोचना करते थे। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। जब मोदी जी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तब क्या कभी मीडिया ने इन्हें एंटीनेशनल बोला था? नहीं। पर आज जब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो उन्हें एंटीनेशनल कह दिया गया है। अगर विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो और कौन करेगा? राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर भारत चाइना विवाद पर उंगली उठाई और लिखा, कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज कंफर्म दैट नो चाइनीज सोल्जर हैव एंटर्ड इंडिया। मीडिया ने राहुल गांधी के ट्वीट पर आलोचना करनी भी शुरू कर दी। अब राहुल गांधी को चीन पर भी सबूत चाहिए। जी हां, सबूत भारतीय सेना की काबिलियत का, सबूत भारतीय सेना के चीन से ज्यादा मजबूत होने का, क्योंकि शायद राहुल गांधी को भारतीय सेना से ज्यादा चीन की काबिलियत पर भरोसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी न्यूज से कहा है कि किसी भी कीमत पर मस्तक नहीं झुकने देंगे, लेकिन लगता है राहुल गांधी को अपनी सरकार या सेना से ज्यादा शायद चीनी सेना पर ज्यादा भरोसा है। वो भारतीय सीमा में घुस आए हैं ये राहुल गांधी को लग रहा है, वो ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, शायद उनको ज्यादा भरोसा है कि सरकार ये भरोसा दिला दे भाई हमको कि चीनी सेना हमारी सीमा हमारी तरफ आई है या नहीं। भारतीय चीन सीमा विवाद के दौरान राहुल गांधी ने सवाल पूछा, इससे पहले भी कई बार पूछा कि सरकार स्पष्टीकरण दे चीनी सेना आ तो नहीं गई है। मतलब भारतीय सेना से ज्यादा क्या चीन पर भरोसा, एक तरफ राहुल गांधी को सेना पर भरोसा नहीं। ये भी एक विडंबना है कि भारतीय फौज दुश्मन का सामना करते समय जो बुलेट प्रूफ जैकेट प्रयोग करेगी वह उसी देश से मंगवाए गए हैं जिसके साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने मूल्य लाभ के कारण सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट आयात किए हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक COVID-19 के चलते लद्दाख में भारतीय सेना की सैन्य परीक्षण में देरी हुई। इस देरी के कारण चाइना अहम ठिकानों तक पहुंच गया जहां पहले भारतीय सेना अभ्यास किया करती थी। ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। HW न्यूज नेटवर्क पर अभिसार शर्मा ने अपने शो में सीमा विवाद को लेकर कुछ जरूरी जानकारी साझा की। आखिर ये चीन कर क्यों रहा है, चीन ये क्यों कर रहा है? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो बयान अमित शाह ने संसद के अंदर दिया था तो कहीं ना कहीं चीन को ये लगना लगा था कि अक्साई चीन पर भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, सैनिक कार्रवाई कर सकता है। तो क्या चाइना ने अगर LAC पर ये आक्रामक रुख बताया, क्या वो उसका परिणाम है जो अमित शाह ने संसद के अंदर कही मगर जमीनी तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? अब आपकी स्क्रीन पर इस परियोजना पर गौर कीजिए। इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चीन को ऐसा लग रहा था कि भारत के जो सैनिक तेवर हैं या आक्रामक तेवर है कहीं इस प्रोजेक्ट पर उसका असर तो नहीं पड़ेगा और कहीं चीन अपने आक्रामक तेवर इस वजह से तो नहीं दिखा रहा है। आज तक पर अमित शाह के इंटरव्यू में उनसे चाइना और भारत सीमा विवाद को लेकर कुछ सवाल किए गए, अमित शाह ने इस पर ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। चीन को लेकर अभी देश में बड़ी चिंता है, जिस तरह की परिस्थिति इस लद्दाख में बनी हुई है, इस पर
क्या जानकारी देंगे आप, जिसके बाद मैं अगला प्रश्न करूं? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं। चीन के साथ क्या परिस्थिति बनी है सर, क्या बॉर्डर के दोनों तरफ जो आर्मीज है उनके लेकर? क्यों खामखा प्रयास करते, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने जो बता दिया देश की जनता को जानने के लिए पर्याप्त है। देश की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सीमाएं सुरक्षित। लास्ट अटेम्प्ट, क्या हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही पूरे इशू को रिजोल्व कर लेंगे या परिस्थिति बॉर्डर पर ऐसी है कि हमें 10 कदम आगे अभी बढ़ाना पड़े? सेना और डिप्लोमेटिक स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत। वहीं न्यूज 18 पर राजनाथ सिंह ने अपने इंटरव्यू में भारत चाइना विवाद को लेकर टिप्पणी की, पर यह स्पष्ट नहीं किया कि चाइना की फौज भारत में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में चाइना भारत विवाद को लेकर क्या चल रहा है, जरा आप वह भी देखिए। भारत चीन के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। 25 दिन से जारी तनाव में नया मोड़ आ गया है। चीन के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के सामने उड़ान भर रहे हैं, वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी नियंत्रण रेखा पर दबदबा कायम कर रखा है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को पीछे हटना होगा, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो युद्ध का माहौल तैयार करने में लगा हुआ है। चालान चीन का होगा काम तमाम, बिना एक गोली चलाए बर्बाद होगा चीन, बुलेट नहीं वॉलेट से हारेगा चीन। चीन की दुकान बंद तो निकलेगा उसका दम। सवाल मैं पूछ रही हूँ कि चीन को बुलेट से नहीं वॉलेट से मारो। हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार दोनों देशों में बन रही तनाव को जल्द खत्म करेगी और जो भी हालात हैं उनको देश की जनता के सामने रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।